आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। मैं आप सबका अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं 10th क्लास के लिए उनकी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से उनका लेसन 4 लेके आया हूं, जिसका टाइटल है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, रिटन बाय विक्टर कैनिंग। तो सबसे पहले कहानी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, देन वी शैल प्रोसीड फर्दर। बच्चों, आपने यह कहावत तो जरूर सुनी होगी कि चोरों पर मोर पड़ गए। इसका अर्थ जानते हो? जब किसी चोर को कोई दूसरा चोर लूट ले तो यह कहावत बोली जाती है कि भाई चोरों पर मोर पड़ गए। दूसरी बात, आपने यह भी सुनी होगी कि चोर लुटेरे या डाकू जो होते हैं उनका आपसी व्यवहार ईमानदारीपूर्ण होता है। ऐसा कहा जाता है कि वे आपस में एक दूसरे को चीट नहीं करते, धोखा नहीं देते। तो इस कहानी में आप दोनों बातें पाओगे, चोरों पे मोर भी पड़ेंगे और जो आपसी उनकी व्यवहार है ईमानदारी पूर्ण होता है या नहीं होता है, तो इस कहानी में उसको आप जानोगे कि क्या एक चोर ने दूसरे चोर के साथ व्यवहार ईमानदारी पूर्ण रखा या नहीं। कहानी में होरेस डैनबी नाम का एक चोर है जो शॉर्ट ओवर ग्रेन्स नामक घर में तिजोरी लूटने आया था। जैसे ही वह ताला खोलने के लिए तैयार होता है तो उसे पीछे से एक महिला की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वास्तव में वह महिला एक चोर है, परंतु वह उसे भ्रमित कर देती है यह नाटक करके कि वह मकान मालकिन है। चोर वहां से जाने के लिए उससे प्रार्थना करता है, परंतु वह उसे इस शर्त पर जाने देती है कि वह सेफ के ताले को खोल दे, क्योंकि ताले का नंबर वह भूल गई है और उसे उसी समय किसी पार्टी में जाने के लिए गहने चाहिए थे। चोर उस पर विश्वास कर बैठता है और बिना ग्लव्स पहने वह सेफ का ताला खोल देता है और फिर उसके पश्चात वह खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। अब इस कहानी को आप ए टू जेड सुनोगे, देखोगे कि क्या चोर की खुशी लंबे समय के लिए थी या उसकी खुशी कुछ ही दिनों की थी, क्या उसे पुलिस अरेस्ट कर लेगी, इन सब बातों का जवाब इस कहानी में मिलेगा। तो श्रोतागण, एक फैंटास्टिक कहानी है, बहुत दिलचस्प कहानी है, आप इसको शुरू से पूरी देखिए और सुनिए तो आपको पता चलेगा कि कहानी वाकई दिलचस्प थी। तो शुरू करते हैं अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, रिटन बाय विक्टर कैनिंग। प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता था कि होरेस डैनबी एक नेक और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी उम्र लगभग 50 वर्ष की थी, वह शादीशुदा था और एक हाउसकीपर के साथ रहता था जो उसके स्वास्थ्य की चिंता किया करती थी। वास्तव में वह असाधारण रूप से बहुत अच्छा था और प्रसन्न भी, सिवाय इसके कि गर्मी के मौसम में उसे हे फीवर हो जाता था। हे फीवर किसी पौधे की स्मेल से होता है या किसी फूलों की स्मेल से होता है, और कई बार हे क्या होता है, सूखा घास होता है, तो सूखे घास में से जो गर्द निकलती है उससे भी एलर्जी हो जाती है, तो ये एक किस्म से एलर्जी थी। उसका ताले बनाने का व्यवसाय था और वह अपने बिजनेस अर्थात धंधे में इतना सफल था कि उसने 2 सहायक भी रखे हुए थे। हाँ, होरेस डैनबी एक अच्छा आदरणीय परंतु पूर्ण रूप से ईमानदार व्यक्ति नहीं था। 15 वर्ष पूर्व होरेस एक कारागार की लाइब्रेरी में अपनी प्रथम एवं एकमात्र सजा काट चुका था। उसे दुर्लभ तथा बहुमूल्य पुस्तकों से बहुत प्यार था, अतः प्रत्येक वर्ष वह एक तिजोरी लूटता था। चोरी करने से पहले वह सावधानी पूर्वक योजना बनाया करता था, इतना कुछ चुरा लेता था जो एक वर्ष के लिए अच्छे से उसका गुजारा कर दे, और एक एजेंट के माध्यम से वह अपनी प्रिय पुस्तकें भी खरीद लेता था। अब जुलाई महीने की चमकीली धूप में घूमते हुए वह विश्वस्त था कि इस वर्ष की लूट अब तक की गई सभी लूट की भांति सफल होने जा रही है। 2 सप्ताहों से वह शॉर्ट ओवर ग्रेन्स
स्थित घर का अध्ययन कर रहा था। उस घर के कमरे, बिजली की तारें, रास्ते और बगीचे, वह सभी की स्टडी रेकी कर रहा था। बाद दोपहर उस घर के दो नौकर, जो वहीं रहा करते थे जब परिवार लंदन में होता था, फिल्म देखने गए हुए थे। हुरेश ने उन्हें स्वयं जाते हुए देखा था। अपनी नाक में कुछ गुदगुदी महसूस करने के बावजूद वह प्रसन्न था। बाग के पीछे वाली जो दीवार थी, वह उसे फांदकर अंदर आया था। पीठ पर उसने अपने औजार चौकसी के साथ बैग में पैक किए हुए थे। ग्रेंज हाउस की सेफ में लगभग 15,000 पाउंड के गहने थे। यदि वह उन्हें एक एक करके बेचता है तो उसे उम्मीद थी कि उसे कम से कम 5,000 पाउंड प्राप्त होंगे और ये सब उसे एक और वर्ष के लिए प्रसन्न रखने के लिए पर्याप्त धन था। पतझड़ के मौसम में बिक्री के लिए 3 बहुत ही दिलचस्प पुस्तकें बाजार में आने वाली थीं। उन्हें खरीदने अथवा प्राप्त करने के लिए उसे धन तो चाहिए होगा। उसने हाउसकीपर को रसोई के दरवाजे पर बाहर लगी हुई एक हुक पर चाबी को टांगते हुए देख लिया था। उसने दस्ताने पहने चाबी ली और घर का दरवाजा खोल लिया। वह सदैव चौकस रहता था कि किसी भी वस्तु पर उसकी उंगलियों के निशान न रह जाएं। किचन में एक कुत्ता लेटा हुआ था। कुत्ता कुछ हरकत में आया, थोड़ा सा शोर मचाने लगा और फिर दोस्ताना ढंग से अपनी पूंछ भी हिलाने लगा। हुरेश ने किचन में से गुजरते हुए उस कुत्ते को उसके नाम से पुकारा था, कहा था, ठीक है शरी, यदि आपको कुत्तों को शांत रखना है तो आपको बस यही करना होगा कि उन्हें उनके सही नाम से पुकारा जाए और उन्हें प्यार दिया जाए। सेफ ड्राइंग रूम में थी और वह भी एक घटिया सी पेंटिंग के पीछे। एक पल के लिए हुरेश सोचने लगा कि क्या उसे पुस्तकों की बजाय चित्रों का संग्रह करना चाहिए था, परंतु चित्र अधिक जगह घेरते हैं। एक छोटे घर में पुस्तकों का संग्रह करना ही बेहतर होगा। ड्राइंग रूम में एक मेज पर एक बड़े से बाउल में फूलों को रखा हुआ था और जिनकी स्मेल से हुरेश के नाक में तो गुदगुदी सी होने लगी। वास्तव में हुरेश को प्रागज ज्वर यानी हे फीवर नाम की एलर्जी थी। उसे छींके आने लगती थी। उसने एक छोटी सी छींक लगाई और अपना बैग मेज पर रख दिया। सावधानी पूर्वक उसने अपने औजारों को व्यवस्थित किया। घर के नौकरों के वापस आने से पहले उसके पास पूरे 4 घंटे का समय था। सेफ को खोलने में उसे अधिक कठिनाई नहीं होने जा रही थी। आखिरकार उसने अपना तमाम जीवन ताले और तिजोरियों के साथ ही तो जिया है। चोर अलार्म घटिया सा बना हुआ था। अब वह उसकी तारे काटने के लिए हॉल में गया। वह वापस आया तो उसे जोर से छींक आई, क्योंकि फूलों की गंध उसे दोबारा आई। हुरेश सोचने लगा कि जब लोगों के पास कीमती वस्तुएं होती हैं तो वे कितने मूर्ख हो जाते हैं। एक मैगजीन में एक लेख छपा था जिसमें इस घर की तस्वीर और सभी कमरों का नक्शा भी उसमें था। लेखक ने यह भी बताया कि तिजोरी को एक पेंटिंग के पीछे छिपाया गया था, परंतु हुरेश को यह लगने लगा कि वे फूल उसके कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। उसने अपना चेहरा अपने रुमाल से छिपा लिया। तभी उसे द्वार से एक आवाज सुनाई दी। यह क्या है? ठंड या हे फीवर? इससे पहले कि वह कुछ सोच सकता, उसने कह दिया, हे फीवर। इसके पश्चात वह फिर छींकने लगा और उसे आवाज सुनाई देती रही। आप जानते हो कि आप इसे ठीक कर सकते हो। यदि आपको यह पता चल जाए कि आपको किस पौधे से एलर्जी होती है, यदि आप अपने कार्य के प्रति गंभीर हो तो तुम्हें किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए। मैंने अभी अभी मकान की छत से तुम्हारी छींक को सुना है। वह एक शांत एवं दयापूर्ण आवाज थी, परंतु उसमें एक दृढ़ता थी। दरवाजे पर एक महिला खड़ी थी और शेरी उसकी टांगों के साथ अपना शरीर छू रहा था। वह युवती बहुत ही खूबसूरत लाल रंग की वेशभूषा में थी। वह सीधे अंगीठी के पास आई और उसने अपने गहने वहां पर फैला कर रख दिए। शेरी बैठ जाओ। किसी को भी यह लगता है कि मैं 1 महीने के लिए घर से बाहर हूँ।
यह कहकर वह ओरेस की तरफ देखकर मुस्कुराई और कहती गई, फिर भी मैं समय पर पहुंच गई हूं। यद्यपि मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि मेरे घर में मुझे कोई सेंगमार मिलेगा। ओरेस को उम्मीद की एक किरण नजर आई, क्योंकि वह महिला उससे मिलने पर खुश प्रतीत हो रही थी। यदि वह उस महिला के साथ सही ढंग से पेश आए तो वह अपनी मुसीबत से बच सकता है। उसने उत्तर दिया, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि मेरी मुलाकात घर के किसी सदस्य से हो जाएगी। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि आपको मुझसे मिलने पर कितनी असुविधा हुई होगी। आप क्या करने वाले हो? ओरेस ने कहा, मेरा पहला विचार यहाँ से भाग जाने का था। वास्तव में तुम ऐसा कर सकते थे, परंतु मैं पुलिस को टेलीफोन कर देती और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देती। वे तुरंत ही तुम्हें पकड़ लेते। बेशक मैं सबसे पहले टेलीफोन की तारे काट देता और फिर अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए वह फिर बोला, मैं सुनिश्चित कर लेता कि कुछ समय तक तुम कुछ भी नहीं कर सकती थी। कुछ ही घंटे काफी होते। महिला ने होरेस की तरफ गंभीरता के साथ देखा और कहा, क्या तुम मुझे चोट पहुंचाते? होरेस कुछ देर तक चुप रहा और फिर बोला, मुझे लगता है कि जब मैंने वह तुम्हें कहा तो मैं तुम्हें डराने का प्रयत्न कर रहा था, पर तुम मुझे भयभीत नहीं कर सके। होरेस ने सुझाव दिया, अच्छा होगा कि तुम भूल जाओ कि तुमने मुझे कभी देखा था। मुझे जाने दो। महिला की आवाज अचानक कुछ तीखी हो गई। भला क्यों जाने दूं तुम्हें? तुम मुझे लूटने वाले ही थे ना। यदि मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम किसी और को लूट लोगे। समाज को तुम जैसे लोगों से सुरक्षित करना ही होगा। होरेस मुस्कुराया और बोला, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो समाज के लिए खतरा है। मैं उन्हीं की चोरी करता हूं जिनके पास ढेर सारा धन है। मैं जो चोरी करता हूं किसी नेक वजह से करता हूं, और जेल का विचार वो मुझे नापसंद है। महिला हंसी और वह प्रार्थना करने लगा, यह सोचते हुए कि उसने महिला को राजी कर लिया है। देखिए, मुझे आपसे कुछ मांगने का कोई हक तो नहीं है, परंतु मैं मायूस हूँ। मुझे जाने दो और मैं वादा करता हूँ कि ऐसा काम कभी दोबारा नहीं करूँगा। मैं सच कह रहा हूँ। वह चुप रही, उसे ध्यान से देखती रही, फिर वह बोली, सच में तुम जेल जाने से डरते हो ना? अपना सिर हिलाते हुए वह होरेस के पास आई और बोली, मुझे हमेशा गलत लोग ही पसंद आए हैं। अब उसने मेज से चांदी की बनी हुई एक डिबिया उठाई और उसमें से एक सिगरेट निकाल ली। होरेस यह सोच कर कि वह महिला शायद उसकी मदद कर देगी, उसे खुश करने में इतना उतावला था कि उसने अपने हाथों से दस्ताने उतारे और महिला को अपना सिगरेट लाइटर दे दिया। सिगरेट लाइटर उसकी तरफ बढ़ाते हुए वह बोला, तुम मुझे जाने दोगी ना? हाँ, परंतु यदि तुम मेरा एक काम कर दो। जो भी कहोगी करूँगा। लंदन के लिए रवाना होने से पहले मैंने अपने पति से वादा किया था कि मेरे सारे गहने बैंक में ले जाएं, परंतु मैंने उन्हें अलमारी में ही छोड़ दिया। आज रात मुझे वे गहने एक पार्टी में पहनने हैं, इसलिए उन्हें लेने मैं नीचे आई थी, परंतु। होरेस मुस्कुराया और एकदम बोल पड़ा, तुम तिजोरी खोलने का नंबर भूल गई हो ना? हाँ। उस युवती ने जवाब दिया, यह सब बस तुम मुझ पर छोड़ दो। एक ही घंटे में तुम्हें तुम्हारे गहने मिल जाएंगे, परंतु मुझे तुम्हारी तिजोरी तोड़नी पड़ेगी। उसकी चिंता छोड़ो, एक महीने के लिए मेरा पति घर पर नहीं होगा। इस दौरान मैं तिजोरी की मरम्मत करवा लूंगी। इस प्रकार से एक घंटे के भीतर होरेस ने तिजोरी खोल दी थी, महिला को उसके गहने भी दे दिए थे और खुशी खुशी अपने घर भी लौट आया था। दो दिन तक उसने उस दयालु महिला को दिया हुआ अपना वादा पूरी तरह से निभाया, परंतु तीसरे दिन की सुबह होते होते उसे उन पुस्तकों की याद आई जिन्हें वह लेना चाहता था। उसे यह भी पता था कि अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए उसे किसी और तिजोरी की तलाश करनी होगी, परंतु अपनी योजना को आरंभ करने के लिए उसे फिर कभी भी अवसर प्राप्त नहीं हुआ। दोपहर होते होते पुलिस उसे शॉर्ट ओवर ग्रेंज में तिजोरी तोड़ने के जुर्म में अपनी हिरासत में ले चुकी थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट ये लेसन भी आपका समाप्त हो जाता है। किसी और दिन कोई और लेसन लेके मैं फिर आऊंगा। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू।